18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते? और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है, कृष्णा। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है? हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर जल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. Free Kashmir! रे करे चले! अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं? बल मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। Azadi is a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े, this is the time for justice, Krishna. क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस?